नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय। आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेक्नोलॉजी AYC में। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे चैनल में 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट हो चुका है। आज हम आपको बताने वाले हैं, अगर आपका भी 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट हो जाता है, आप आगे उसको मोनेटाइज के लिए कैसे भेज सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से हमको स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं चैनल को मोनेटाइज कराने के लिए। बने रहिए इस वीडियो में बिना टाइम गवाए, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो, प्लीज़ नीचे रेड बटन पर जाकर सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल के आइकन को दबाना मत भूलना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्क्रीन पर, और चलिए मैं आपको बताता हूं कि कैसे मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करेंगे। दोस्तों, इसके लिए जस्ट आपको क्रोम ब्राउजर ओपन करना है, यहां तीन डॉट पे जाना है और इसको डेस्कटॉप साइट पे कर लेना है, यहां पे टिक मार्क लगा लेना है। उसके बाद आप यहां सर्च बार में टाइप करेंगे youtube.com। जैसे ही youtube लिखेंगे ये .com आ जाएगा, उसके बाद इसको सर्च करेंगे। जैसे ही youtube.com सर्च करेंगे तो यहां कोने में आपके YouTube चैनल का लोगो दिखाई देगा, इस पर हमें क्लिक करना है। जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो यहां तीसरे नंबर पे एक ऑप्शन दिखेगा YouTube Studio, इस पर हमें क्लिक करना है। जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो आपके फोन पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहां पर देखिए, नीचे में एक ऑप्शन दिखेगा डॉलर का आइकन, इस पर हमें क्लिक करना है। जैसे ही डॉलर के आइकन पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहां पर देखिए ग्रो विथ YouTube, और यहां पे आपके सब्सक्राइबर्स दिखेंगे और यहां पे वॉच टाइम, ठीक है। अगर ये दोनों कंप्लीट हो गया है तो यहां पर ग्रीन टिक आ जाएगा और उसके नीचे एक ऑप्शन आएगा अप्लाई नाउ। तो हमें, हमारा तो पूरा हो चुका है तो हम अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। दोस्तों, जैसे ही अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा और यही है हमारा मेन पार्ट। इसको बिल्कुल ध्यान से देखिए, यहाँ पर तीन स्टेप आता है, स्टेप वन, स्टेप टू और स्टेप थ्री। हमें स्टेप वन और स्टेप टू ही करना होता है, स्टेप थ्री तो अंडर रिव्यू में चला जाता है, वो YouTube टीम खुद उसे चेक करते हैं और मोनेटाइजेशन के लिए मोनेटाइजेशन अप्रूवल कर देते हैं, ठीक है। तो हमें सबसे पहले स्टेप वन है, उसके नीचे एक ऑप्शन दिखेगा स्टार्ट का, इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इसको हम थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो इसमें कुछ नहीं है, इनके टर्म एंड कंडीशन है, इसको हमें पढ़ लेना है और इसको हमें बिल्कुल ऊपर कर देना है, ठीक है। ऊपर करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा खाली बॉक्स का, ठीक है। जैसे इसे हम पढ़ लिए इनका रूल्स, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर टिक मार्क लगा देंगे, ठीक है, और इसको साइड करेंगे। यहाँ साइड करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा एक्सेप्ट टर्म, ठीक है, इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर तो इनका हम टर्म एंड कंडीशन को एग्री कर लिए, मतलब इनका रूल हम समझ लिए। यहाँ पे देखिए ये रिफ्रेश हो रहा है, रिफ्रेश हो जाएगा तो यहाँ पे स्टेप वन के आगे डन लिखा हुआ आ जाएगा। दोस्तों देखिए, स्टेप वन हमारा डन हो चुका है, रिफ्रेश हो गया। उसके बाद जो स्टार्ट का ऑप्शन था वो स्टेप टू में आ गया, ठीक है, और यही है स्टेप टू सबसे मेन। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, मैं बिल्कुल बारीकी से आपको बताऊंगा। यहाँ पर जो स्टेप टू के नीचे स्टार्ट है, इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो इसको साइड करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, फिर हमको इस पर क्लिक करना है। दोस्तों जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर देखिए हमारे YouTube चैनल का जीमेल आ जाएगा, उस जीमेल का पासवर्ड आपको यहाँ पे देना है और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। दोस्तों मैं बता दूं कि यहाँ पर कई लोगों का प्रॉब्लम ये होता है कि जब ये नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो इनका एक ऑप्शन आ जाता है प्रोसेसिंग प्लीज वेट, ठीक है, इस तरह का ऑप्शन आ जाता है। तो दोस्तों अगर ऐसा ऑप्शन आए तो बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है। इसको क्या करना है कि इस पेज को फिर से हमें बैक जाना है और फिर से स्टेप टू के जो नीचे है स्टार्ट, उस पर फिर से करेंगे, मतलब दो तीन बार आप ट्राई करेंगे तो ये ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगा आपका जीमेल, ठीक है। कई बार नहीं भी होता है लेकिन ज़्यादातर लोगों का हो जाता है। आपके सामने देखिए मैं भी पासवर्ड डाल दिया और फिर से करता हूँ, अगर नहीं होगा तो बैक आ करके करेंगे, हो जाएगा तो आपके सामने आप देखते रहिए, ठीक है। मैं नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। दोस्तों देखिए, जैसे ही नेक्स्ट किया और उसके बाद यस किया तो उसके बाद जो नंबर आता है उस पर हम क्लिक करेंगे और देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस आ गया। अब यहाँ पर देखिए क्या करना है, यहाँ पर एक एरो का निशान है, इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो तीन ऑप्शन आएगा। सबसे पहला, अगर आपके पास पहले से कोई एडसेंस है तो सबसे पहले वाले पे जा करके उसे लिंक कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास पहले से कोई एडसेंस नहीं है, नया बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए हम दूसरे पे क्लिक करेंगे। और तीसरा उनके लिए होता है कि जो कभी एडसेंस बना करके भूल जाते हैं, तो चलिए मैं तो भूला नहीं हूँ, तो हम जाएंगे दूसरे पे, दूसरे वाले पे क्लिक करेंगे, इसको साइड करेंगे। उसके बाद एक कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपके फोन में जितना भी जीमेल होगा वो आपके सामने आ जाएगा। आपको उस जीमेल पर क्लिक करना है जिस पर आप एडसेंस बनाना चाहते हैं, तो चलिए मैं उस पर क्लिक करता हूँ। आप दोस्तों जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर देखिए योर वेबसाइट के में हमारा यूट्यूब चैनल का लिंक ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पे दो ऑप्शन आएगा यस नो का, हमें यहाँ पे यस करना है। यहाँ पर हम कंट्री सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम नीचे इसको, इसका टर्म एंड कंडीशन है, इसको हम पढ़ लेंगे, इसको ऊपर करेंगे,
इसको ऊपर करेंगे और यहाँ पर हम टिक मार्क लगाएंगे और क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक फॉर्म आएगा और इस फॉर्म को आपको बिल्कुल बारीकी से भरना है। कैसे भरना है बिल्कुल ध्यान से समझिए। सबसे ऊपर एक ऑप्शन दिखेगा इंडिविजुअल का, हमें यहाँ पर इंडिविजुअल ही रहने देना है, हमें यहाँ पर छेड़छाड़ नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पे नाम आएगा, तो यहाँ पे हो सकता है आपके YouTube चैनल का नाम आए, तो यहाँ पर आप अपना नाम डालेंगे, यानी जिसके नाम पर एडसेंस बनाना चाहते हैं उसका नाम डालेंगे। उसके बाद एड्रेस लाइन वन में घर का एड्रेस देंगे, एड्रेस लाइन टू में पूरा एड्रेस देंगे, उसके बाद सिटी में अपना सिटी देंगे, उसके बाद पिन कोड देंगे, स्टेट देंगे, मोबाइल नंबर देंगे और लास्ट में इसको सबमिट पर क्लिक करना है। तो चलिए इस फॉर्म को मैं भर लेता हूँ, फिर आगे का प्रोसेस भी आपको मैं बता देता हूँ। अब दोस्तों देखिए इस फॉर्म को मैं बिल्कुल बारीकी से भर दिया हूँ। उसके बाद इस फॉर्म को भरने के बाद आपको एक बार चेक कर लेना है, अगर आपको लगता है कि सब कुछ ठीक है तो आपको सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल स्क्रीन पर दो ऑप्शन आएगा, रीडायरेक्ट और कैंसल। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, कुछ देर वेट करेंगे तो ये ऑटोमेटिक आपके यूट्यूब चैनल पर रीडायरेक्ट कर दिया। यहाँ पे देखिए हमारे यूट्यूब चैनल पर रीडायरेक्ट कर दिया। यहाँ तीन डॉट पे जाएंगे और इसको यहाँ पे डेस्कटॉप साइट पे कर लेंगे। जैसे इसको डेस्कटॉप साइट पे करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारा चैनल अंडर रिव्यू में चला गया। यहाँ पर स्टेप वन में डन है, स्टेप टू में इन प्रोग्रेस है, लेकिन आधे घंटे के अंदर यहाँ पर भी स्टेप टू में भी डन आ जाएगा और स्टेप थ्री में इन प्रोग्रेस में चला जाएगा, यानी हमारा चैनल अंडर रिव्यू में चला गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, हमारा कोई काम नहीं है, हमारा स्टेप वन स्टेप टू ही काम रहता है। अब यूट्यूब टीम हमारे यूट्यूब चैनल को चेक करेंगे, उनको लगता है कि हमारा चैनल मोनेटाइजेशन के लायक है तो हमारा चैनल 100% 24 घंटे से लेकर 48 घंटे के अंदर हमारा चैनल मोनेटाइजेशन हो जाए। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर देना, कमेंट करके हमको जरूर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। और साथ ही साथ हम आपको ये अभी अपडेट देते रहेंगे, अगर हमारा चैनल मोनेटाइज हो गया हम अपने कम्युनिटी टैब में जरूर डालेंगे हमारा चैनल मोनेटाइज हो चुका है सक्सेसफुली, ये हम जरूर अपने कम्युनिटी टैब पोस्ट में डालेंगे।